आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ मैंगो शेक, होममेड मैंगो शेक। बहुत इजी वे में, बस मिनटों में बच्चों को बहलाइए और मैंगो शेक तैयार है। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हाँ नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का। आज मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो शेक, जिसके लिए मैं 3 पका हुआ आम ली हूँ और जिसे मैं धो के छील ली हूँ। अब इसे मैं छोटे छोटे टुकड़े में कट करती हूँ। इस प्रकार हम छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लेते हैं। गुठली निकाल के फेंक देंगे। तो चलिए इसी प्रकार पूरा को कट कर लेते हैं। हम इसे इस प्रकार भी ऐसे काट सकते हैं, छोटे छोटे कतरन के रूप में। कोई जरूरी नहीं है कि हम अलग से इसको पीस करें, हम छोटे छोटे इस प्रकार भी काट सकते हैं। अब इन आमों को जार में भरते हैं। आम ज्यादा है इसलिए हम पूरा नहीं एक बार में बनाएंगे, फिर जब पीना होगा जब बनाएंगे, एक बार में पूरा नहीं बनाएंगे। हम आधा आम ही डाल रहे हैं, आधा को फ्रिज में रख देते हैं। अब इतना आम डाल लिए, अब इसमें हम थोड़ा शक्कर डाल देते हैं क्योंकि आम बहुत मीठा नहीं है। तो शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा कि कितना मीठा आम है और कितना मीठा मेरे को शेक चाहिए। उस हिसाब से मेरे बच्चे पीते हैं इसलिए मैं शक्कर डाल रही हूँ। आम बिल्कुल ही मीठा नहीं है अभी का। तो अब हम पहले बिना दूध डाले इसको चला लेते हैं मिक्सी में, उसके बाद दूध मिक्स करेंगे। अब इसमें दूध डाल देते हैं, एक राउंड पीस लिए हैं, अब इसमें दूध डाल देते हैं। दूध भी हम अपने जरूरत के अनुसार देंगे, जितना आपको चाहिए, 1.5 गिलास 2 गिलास जितना आपको चाहिए और जितना गाढ़ा आप रखना चाहते हैं उसी हिसाब से दूध डालिए। अब इसे हम फिर से चला लेते हैं। मेरा आम भी ठंडा था और दूध भी ठंडा है, फ्रिज में चिल्ड करके लिया हुआ है। आपके अगर चिल्ड करके नहीं लिए हैं तो फिर आप आइस क्यूब इस्तेमाल कर लीजिएगा ड्रिंक करने समय। देखिए हेल्दी एंड टेस्टी मैंगो शेक बन के तैयार हो गया है। अब इसे हम सर्व करते हैं। देखिए अब इसे हम सर्व कर रहे हैं। गाढ़ा आप अपने हिसाब से कीजिएगा, और दूध भी डाल सकते हैं, मैं बहुत दूध नहीं डाल रही हूँ। देखिए कितना सुंदर बना है। अब इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं। डेकोरेट करने के लिए हम बादाम डाल रहे हैं। आप काजू, बादाम, पिस्ता कुछ भी डाल सकते हैं। तो लीजिए आपके सामने तैयार हो गया मैंगो शेक 2 मिनट में। और अभी तक अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज का नाम है कुमार्स। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है कुमार्स फ्रॉम बिहार। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने चाहने वालों के साथ शेयर भी कीजिए और सब्सक्रिप्शन और शेयरिंग्स बिल्कुल फ्री है। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने चाहने वालों के साथ, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, जिन्हें आप पसंद करते हों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।